बालोतरा के जसोल में रामकथा में हुए हादसे के बाद कथावाचक मुरलीधर को डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी है और अब उनकी सेहत ठीक बताई जा रही है। कथावाचक ने कहा कि हादसे के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और उनको अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन हादसे का कारण बारिश के बाद फैला बिजली का करंट हो सकता है और करंट फैलने से ही हादसे विकराल हो गया। आपको बता दें कि आयोजन की इजाजत पर कथावाचक ने कहा कि उनका काम कथा करना था और इसकी कोई जानकारी उनको नहीं है, इस बारे में आयोजक ही बता पाएगा। थोड़ी सी तेज हवा चली तो मैंने सोचा क्या पता हवा पीछे से तेज ना आ जाए, तो मैंने कहा भाई हवा तेज है तो हमें आज कथा रोकनी पड़ेगी। हम कथा रोकते हैं, बाद में देखते हैं मौसम की अनुकूलता पे। मैंने इतना ही कहा कि कथा रोकनी पड़ेगी। उसी समय पीछे से इतना तेज, मतलब बवंडर आया हवा का, इतना तेज जबरदस्त तूफान का कि ये मेरे शब्द पूरे ही नहीं हुए तब तक तो पंडाल ऊपर उठना शुरू हो गया। तो मैंने माइक से अपने उतरने की चिंता नहीं की, पहले माइक से मैं बोला, मैंने कहा सभी पंडाल छोड़ के बाहर दौड़िए, सब बाहर जगह छोड़ दीजिए, सब बाहर दौड़िए क्योंकि पंडाल उड़ रहा है, पंडाल क्या पता नीचे गिर जाएगा, आप सब भाग जाइए। लोगों को आगाह किया, मैं व्यासपीठ से नीचे नहीं उतर पाया, उतरा तब तक पंडाल नीचे